वेलकम बैक टू माई चैनल रेमेडी चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक विटामिन सी क्रीम बनाकर दिखाऊंगी, जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक ऑरेंज। देखिए गाइस, मैंने एक ऑरेंज लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे छील लेंगे। और इसके बाद हम छीलने के बाद इसका गूदा निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने छील लिया है। अब इसके बाद हम इसका गूदा निकाल लेंगे। हमें 3-4 स्लाइस लेनी है इसकी। अब हम इसका गूदा निकाल लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, जो हमारे स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, स्केल्स, ये सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती हैं। और ये इसमें जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, इस तरह से हम इसका अंदर से गूदा निकाल लेंगे और फिर इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। देखिए गाइस, ये मैंने इसका निकाल लिया है। अब हमें ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लेना है। देखिए गाइस, ये निकल गया है। अब हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। देखिए गाइस, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में। ये हमने इसे छील के डाल लिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखिए गाइस, इसका जूस निकल गया है। अब हम इसे छान लेंगे छलनी में। देखिए, अब इसका हम छान लेंगे। गाइस, ये छन गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए गाइस, ये मैंने छान लिया है ऑरेंज जूस। अब हमें क्या करना है, एक क्लीन बोल लेना है, देखिए। और इसकी 1.5 स्पून हम ले लेंगे। 1.5 स्पून मैंने ऑरेंज जूस की ले ली है। अब हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। हमें ऑलिव ऑयल लेना है। देखिए गाइस, ऑलिव ऑयल की हमें 1 स्पून लेनी है। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। देखिए, 1 स्पून मैंने इसका ले लिया है। अब हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। मैंने वॉक कंपनी का लिया है। और जो आ रहे हैं कंपनी के, वो कलर्ड आते हैं। ये नेचुरल है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं है। तो हम इसकी 2 चम्मच ले लेंगे। देखिए, मैंने 2 चम्मच ले ली है। मैं आपको वाओ कंपनी का ही सजेस्ट करूंगी कि आप वाओ कंपनी का ही एलोवेरा जेल लें। और जो आ रहे हैं वो कलर्ड आते हैं, जो हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं है। तो अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए गाइस, हमारी क्रीम ये बनकर रेडी हो गई है बिल्कुल। हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे स्टोर कर रख सकते हैं अपने फ्रिज में। 15-20 डेज़ के लिए आप अपने फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं। किसी एयर टाइट डिब्बी में आप इसे रखें। देखिए,
देखिए ये मैंने इसमें रख लिए हैं। इसे हम 15 टू 20 डेज के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। गाइस, ये आपको अपने फेस पर सुबह और रात में सोने से पहले दिन में 2 बार आपको इसे लगाना है। देखिए मैं आपको अपने हैंड पर कर दिखा रही हूँ। इसकी आप 1 मिनट तक हल्के से मसाज करें सर्कुलर मोशन में। देखिए सर्कुलर मोशन में आपको ये मसाज करनी है 1 मिनट तक, और उसके बाद आपको रात को ऐसे ही सो जाना है और दिन में भी आप इसे लगाएंगे। इसे दिन में 2 बार लगाना है, रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ गाइस। ये जो मैंने क्रीम बनाई है इसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी बैक्टीरियल है ये, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स के अगर निशान हैं वो भी, एक्ने स्कार्स और एंटी एजिंग, और इससे आपको अनइवन स्किन टोन मिलेगी, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होगी, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, यंग हो जाएगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट पहुंचा सकती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।